Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Takya hao. Welcome to learning and information. Yo un tamam students ke liye hai jo near future China ka visit karne wale hain as a student. ये मैं उनके लिए वीडियो स्पेशल बनाना चाह रहा था कि अगर आप पाकिस्तान से चाइना एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं वहां पर मास्टर्स या पीएचडी के लिए तो आपने किन-किन चीजों की जो है पाकिस्तान से तैयारी करके जानी है और किन-किन कौन-कौन सी मुश्किलात आपको वहां पर पेश आ सकती हैं जिनका आप पहले से ही अपनी सारी तैयारी मुकम्मल रखें ताकि आपको ये मसले मसाइल चाइना में जाकर पेश ना आए तो स्टूडेंट्स अगर आपका चाइना में एडमिशन हो चुका है और आप चाइना की तैयारी कर रहे हैं वहां पर जाने की तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपके पास एक सामान की लिस्ट होनी चाहिए कि आपने कौन-कौन सी चीजें जो है वो पाकिस्तान से लेकर जानी है जो कि आपको वहां पर अवेलेबल नहीं होंगी और उसमें खाने पीने की तमाम चीजें शामिल हो सकती हैं इसके अलावा आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स क्या करके जानी है क्योंकि चाइना में जो है वो इंटरनेट के जो है काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हैं सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा हैं आपको वहां पर किन-किन चीजों के मसाइल पेश आ सकते हैं जाकर और फिर जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर आपने किस तरह जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपने टैक्सी वगैरह अपने लेनी है और अपनी यूनिवर्सिटी तक जाना है और यूनिवर्सिटी पहुंच के पहले चंद दिन जो हैं वो काफी मुश्किल होते हैं क्योंकि अगर आपने पहले कभी चाइना में सफर नहीं किया या आप चाइना नहीं रहे हुए आप चाइना के माहौल से वाकिफ नहीं हैं तो आपको किन-किन चीजों के वहां पर जो है शुरू में मसले मसाइल पेश आ सकते हैं तो इन सारे टॉपिक्स पर जो है वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा तो व्यूअर्स सबसे पहले ये कि पाकिस्तान से जाते हुए आपको खाने पीने की काफी सारी चीजें जो हैं वो साथ में लेकर जानी पड़ती हैं क्योंकि वहां पर वो चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं उसमें सबसे पहले के जो दालें हम यहां पर यूज करते हैं खाने में वो दालें आपको पाकिस्तान से लेकर जानी पड़ेंगी क्योंकि वो आप अपनी जरूरत के मुताबिक यहां से पैकिंग से लेके जा सकते हैं तमाम मसाला जात जो हैं वो आप यहां से साथ लेकर जाएं हर तरह की चीजें और इसके अलावा बाकी जो आपकी ग्रोसरी वगैरह की चीजें हैं वो वहां पर इजीली अवेलेबल होती हैं उनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी वो वहां पर आपको इजीली मिल जाएंगी आपने जो स्पेसिफिक पाकिस्तानी चावल हैं पाकिस्तानी दालें हैं और इसके अलावा जो है अपनी मेडिसिंस वगैरह क्योंकि चाइना में मेडिकल की जो फैसिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं तो आप अगर कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो वो मेडिसिंस अपनी साथ रखें और अगर नहीं भी यूज कर रहे तो जो जरूरत की होती है मेडिसिंस वो आपने साथ रखनी है तो आप जो है वो कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ पेन किलर्स और इसके अलावा जो हमारी बुनियादी मेडिसिंस होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और मैं आपको यहां पर एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दूंगा कि चाइना में जाकर मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अपनी हेल्थ मेंटेन रख सके क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप वहां पर बीमार होते हैं तो वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो काफी एक्सपेंसिव भी हैं और दूसरा ये भी है कि वहां के डॉक्टर्स जो हैं वो इंग्लिश नहीं जानते जिसकी वजह से आप उनके साथ कम्युनिकेशन गैप भी का भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है तो इसलिए आपको जो है वो अपनी जो है हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है व्यूअर्स जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो चाइना में तमाम सोशल मीडिया जो हम पाकिस्तान में यूज करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर इंस्टा जीमेल और ट्विटर वगैरह वो सब कुछ ब्लॉक है तो वहां पर आपको जाकर अगर आप ये चीजें यूज करना चाहते हैं ये ऐप्स यूज करना चाहते हैं तो आपके पास वीपीएन होना चाहिए जिसमें डिफरेंट वीपीएन अवेलेबल हैं आपने वीपीएन यहां से इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में लेकर जाना है आप टर्बो वीपीएन यूज कर सकते हैं साइफन प्रो यूज कर सकते हैं व्यूअर्स आप एक्सप्रेस वीपीएन का प्रीमियम वर्जन भी यूज कर सकते हैं जो दूसरे तमाम वीपीएन के निस्बत ज्यादा फास्ट भी है और रिलायबल भी है और फिर वहां की जो अपनी ऐप है जो वो व्हाट्सएप की जगह यूज करते हैं वो है वीचैट जी और इसके लिए जरूरी है कि आप वीचैट का अकाउंट पाकिस्तान में ही बनाकर जाएं क्योंकि अगर आप चाइना पहुंचकर वीचैट इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर अकाउंट बनाना जो है थोड़ा मुश्किल है काफी ऑथेंटिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है इसलिए आप पाकिस्तान से ही अपना वीचैट अकाउंट
बनाकर जाएं। आप अपने घर वालों से के तमाम जो मोबाइल हैं उनमें भी वही चैट इंस्टॉल करके उस पे अकाउंट बनाएं ताकि आप चाइना पहुंच के जो है इजीली सबके साथ कम्युनिकेशन कर सके। उसके बाद व्यूअर जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको जो सबसे पहले मसला पेश आता है वो होता है इंटरनेट का। चाइना में तमाम एयरपोर्ट्स पर अगर आपने इंटरनेट अपने मोबाइल के साथ अटैच करना है तो उसके लिए एक लॉगिन रिक्वायर्ड होता है और उसके लिए आपके पास एक सिम कार्ड होना जरूरी है। तो अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आप अपना इंटरनेट जो है वो अटैच नहीं कर सकते। हाँ, आप वहां पर किसी भी चाइनीज जो है उनसे रिक्वेस्ट करके आप थोड़ी देर के लिए अपना उनसे जो है उनका डाटा है वो अपने साथ अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से तो आपको जो जरूरत होती है वो अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस आपके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर देता है तो वेल एंड गुड, वरना आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। व्यूअर्स, यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको इस किस्म का एक रेजिडेंस फॉर्म इशू किया जाता है जो टेम्परेरी रेजिडेंस फॉर्म कहलाता है। ये यूनिवर्सिटी का वार्डन ऑफिस या पुलिस स्टेशन इशू करता है। उस टेम्परेरी रेजिडेंस फॉर्म को यूज करते हुए आप और साथ में अपने पासपोर्ट को यूज करते हुए आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाएंगे और कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरनेशनल ऑफिस या आपका सुपरवाइजर और देगा। तो और वो ज्यादातर जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ चाइना में ओपन किया जाता है। जब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा आपको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगा। व्यूअर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको जो है वो बेसिक गाइडलाइन पेश की कि अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आपने किन किन चीजों की तैयारी जो है वो करनी है। स्पेशली जो है वो आपको सबसे ज्यादा मसला जो है वहां पर खाने पीने का और मोबाइल का जो है वो पेश आता है। तो आपका अगर कोई सवाल हो तो आप इस बारे में मजीद जो है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।